आगरा थाना शाजापुर हनगढ़ क्षेत्र की रहने वाली महिला की शादी अमृतसर पंजाब में हुई, जहां 3 साल के बाद घर में हुए मारपीट सहन ना करते हुए महिला अमृतसर से 2 साल के बच्चे को लेकर अमृतसर से आगरा के टिकट पकड़ ली। उसके बाद स्पीड से मथुरा रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद में ससुरालजनों ने गाड़ियों से आकर पीड़िता को मथुरा रेलवे स्टेशन पर देख रहे। पीड़िता के ससुरालजनों ने 2 साल के बच्चे के साथ पीड़ित महिला को बच्चा चोर कहकर पीड़ित महिला को जीआरपी पुलिस के हाथों पकड़ा दिया, जिसका बच्चा पीड़ित महिला का है। पीड़ित महिला का आरोप है कि पुलिस ने मेरा बच्चा ससुराल वाले को दिलाने के लिए 15 लाख रुपए का आरोप लगाया है। क्या नाम है आपका? मोहिनी। अच्छा, आप यहाँ कमिश्नर साहब के ऑफिस में आए, क्या समस्या है आपकी? समस्या ये थी कि मैं अपने ससुराल में रहती थी, तो मैं अपनी माँ के साथ गई थी वहाँ पंजाब बच्चा लेने, अमृतसर गई थी। तो अमृतसर से मैं लौट के आ रही थी अपने बच्चे को लेके, तो मेरे ससुराल वाले ससुराल वाले मेरे वहीं पे मथुरा पे आ चुके थे मुझसे पहले। मैं अपना बच्चा लेके आई थी, तो मेरा बच्चा ले लिया गया, और जो होते हैं ना रेलवे स्टेशन वाले पुलिस वाले, वो थे वहाँ, उन लोगों से राजीनामा करके 15,000 लिए उन लोगों ने, और मेरा बच्चा उन्हें दे दिया। अच्छा, आपने कहा नहीं कि ये बच्चा मेरा है? मैंने कहा था ये बच्चा मेरा है, मैंने अपने बच्चे को दूध भी पिलाया था, प्रूफ भी दिखाया था ये बच्चा मेरा है। मेरे भाई भी बुलाए गए थे, मेरे जीजू भी, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं सुना। सुबह तक तो कह रहे थे आपका बच्चा है, आप लेके जाना, और मुझे ये और ठहरा दिया लास्ट में कि ये चोर है, हमारे घर पे काम करती थी। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ मेरा बच्चा मेरे पास आ जाए, मेरा 2 साल का बेटा है, दूध मेरा पीता है। ये कि मैं पंजाब से आई थी अपने बच्चे को लेके, तो मुझे मेरा बच्चा मेरे पति ने रेलवे स्टेशन पे पकड़ लिया मुझे और मेरे बच्चे को। तो यहाँ मैं सर के पास आई थी, तो उन्होंने मेरी एप्लीकेशन नहीं ली, कि ये तो मई का है मथुरा का मामला। तो मैंने ये सोचा कि मेरी कार्रवाई यहीं से हो,